हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आज मैं लाया आपके लिए डॉल्फिन इम्यूलेटर्स की गेम्स। आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्वियसली, और मोस्टली गेम्स आप इस वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम वेरी सिंपल है, आप अगर आधा भी नाम लिख देंगे तो भी आपको मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, इस वेबसाइट में मिलेंगे आपको बहुत सी अमेजिंग गेमें। तो शुरुआत करते हैं हम आप जो मोस्ट पॉपुलर गेमों में से, पर शुरू करते हैं। इसमें अल्फाबेटिकल्स डॉल्फिन गेम्स मिल जाएगी, जो व्हील्स है और गेम क्लब्स की भी गेमें मिल जाएगी, और मार्वल नेमेसिस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं आपका कौन कौन सी गेम है जो मोस्ट पॉपुलर मुँह में से एक है। इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी भी मिल जाएगी, बहुत सी गेमें मिल जाएगी। अल्फाबेटिकल्स में सारे हैं, सोनिक गेमें हैं और स्पाइडरमैन गेम है, स्पाइडरमैन 3 है, ऑफ टाइम और स्पाइडरमैन स्टैंड ऑफ डायमेंशन। आपको डाउनलोड करने के लिए मैं मना करता हूँ दोस्तों, लेकिन आप इसमें से डाउनलोड ना करें तो ये ठीक रहेगा। इसकी डॉल्फिन इमुलर की पीसी सेटिंग्स के बारे में भी मुझे सही से नहीं आता है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप फोन ना डाउनलोड करें तो ठीक रहेगा। बाकी आप कोई से डाउनलोड कर सकते हैं, सब इजीली। यहाँ पर स्टार वॉर देख सकते हो, इतने सारे स्टार वॉर लाइटिंग डुअल बहुत फेमस है और इसे बहुत कम लोग डाउनलोड करते, क्योंकि इसे डाउनलोड करने का असल में मिल नहीं पाता बहुतों को। तो देख सकते हैं आपको खाली इसका फॉर्मेट चेंज करना है, क्योंकि आपको इमुलर में चलाएंगे तो आपको उसके फॉर्मेट में क्लिक करना है। देखिए आ गया, तो आपको करना है WBFS में, इसमें क्लिक कर देंगे तो नीचे का चेंज हो जाएगा। देखिए 3.42 GB हो गया, तो आपको यही डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड में क्लिक करेंगे, अगर आप अपने PC मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं डाउनलोड, और मैंने ओपेरा यूज़ कर रहा हूँ, आपको जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। अरे ये क्या हो गया सिग्नल, देखिए दोस्तों आ गया है। मैं डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आपको डाउनलोड करना है। और उसके अलावा आपके पास एक सॉफ्टवेयर और होना चाहिए जो WinRAR या फिर 7-Zip का हो, उससे आपको फाइल स्ट्रक्चर करना है और डॉल्फिन इमुलेटर के जरिए ओपन कर लेना है, तो आप इसे आसानी से प्ले कर पाएंगे और 100% वर्क करेगा दोस्तों। चलिए आपको और भी कुछ गेमें दिखा देते हैं। और इसमें आयरन मैन, इनक्रेडिबल हल्क और मार्वल्स की भी बहुत सी गेमें मिल जाएंगी। देख सकते हैं इसमें ट्रांसफॉर्मर भी है, ट्रांसफॉर्मर प्राइम द गेम, साइबर एडवेंचर, डार्क ऑफ द मून, रिवेंज ऑफ द फॉलोइंग द ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर अल्टीमेट बैटल एडिशन भी है। और सब मैं आपको फॉर्मेट आपको बता चुका हूँ दोस्तों, कैसे डाउनलोड करना है। देख सकते ये एडिशन है इसका, और यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये आएगा 3.86 GB का हो गया दोस्तों। आपको इजीली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो और कुछ अमेजिंग गेम के बारे में देखते हैं जो आसानी से आप चला पाएंगे, चल सकता है। जैसे कि यह है ट्वेटो वर्सेस कैपकॉन्ग अल्टीमेट ऑल स्टार, शायद नाम बोले मैं गलती कर दी दोस्तों। ये भी एक गेम है, मज़ेदार फाइटिंग गेम है।
मार्वल वर्सेस कैपकॉम जैसे करेक्टर्स मिल जाएंगे, और 1.4 GB का है, तो आप ऐसे ही से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें ट्रांसफॉर्मर की मूवी वाली है, एनिमेटेड सीरीज का खाली एक ही है जो दिखा देता हूँ मैं, ये वाला है। अभी लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। दोस्तों ये आके ट्रांसफॉर्मर प्राइम, इसकी फोटो अभी तक नहीं आई है, देखिए आ गई है। ये एक टीवी सीरीज है, टीवी में बहुत आई थी, इसकी मूवी भी है एक, तो आपने देखी हो तो अच्छी बात है, आप इसकी गेम भी खेल सकते हैं। और ये इसका फॉर्मेट भी आपको उसमें भी चेंज करना है अगर डॉल्फिन लेयर में चलाएंगे, और आप ये एंड्रॉयड में भी चला सकते हैं, वो डॉल्फिन एमुलर एंड्रॉयड वाला है या पीसी वाला, तो वेरी इजीली चल सकता है। आपको डॉल्फिन एमुलर के कंट्रोल्स का थोड़ा ध्यान रखना होगा दोस्तों, उन कंट्रोल्स को अच्छे से चेंज कर लेना, चेक कर लेना, तभी आप ये सारी गेम आसानी से खेल पाएंगे। दोस्तों मैंने आपको इतनी सारी गेमें दिखा दी, चलो इसमें आयरन मैन भी दिखा देते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इस चैनल में आपको सिर्फ एमुलेटर की गेमें नहीं, पीसी गेमें भी मिलती है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट के ज़रिए जाकर देख सकते हैं कि आप पीसी गेमें कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं इनक्रेडिबल हल्क भी है, ये आयरन मैन 1 और 2, आपको याद रखना कि स्ट्रेचर भी होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ना लगी हो तो आई एम सॉरी, पर लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, और इसमें आप ऐसे बहुत सी गेमें खेल सकते हैं, देख सकते हैं, सभी कैटेगरीज को ऊपर चेक देख लेना, जो आपको अच्छे लगे वही डाउनलोड करना। तो जाने से पहले आपको एक बार मार्वल नेमेसिस दिखा देता हूँ, ठीक है। आयरन मैन 2 3.4.1 GB ये मैंने किया था डाउनलोड, और इसकी एक छोटी सी वीडियो मैंने अपलोड भी कर रखी है, एक बार जरूर देखें उस वीडियो को। क्लैरिटी भले थोड़ी कम होगी दोस्तों, क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर क्लैरिटी में नहीं कर पाता है रिकॉर्ड, इसलिए मुझे थोड़ा एडजस्ट करके करना पड़ता है, तो इसलिए छोटी मोटी दिक्कतों के लिए थोड़ा माफ़ करना दोस्तों, इसलिए मैं ज़्यादातर डॉल्फिन एमुलेटर या पीसी गेम में इसलिए ही अपलोड नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स जाने से पहले आपको दिखा देते हैं और फेमस गेम है, जैसे कि इसमें लेजेंड ऑफ द ज़ेल्डा भी है, सुपर स्मैश ब्रदर्स प्रो है, और सुपर स्मैश ब्रदर्स बहुत अच्छी है, और पॉकीपोन गेम भी है इसमें, अगर आप पॉकीपोन के फ़ैन हैं तो पॉकीपोन की गेम इसमें आपको जरूर खेलने मज़ा आएगा। और कॉल ऑफ ड्यूटी है, भूल रहा हूँ मैं, जो आपको दिखाना था वो तो सब पर ही रह गया है। इसमें देख सकते हैं कैप्टन अमेरिका भी है, सुपर सोल्जर, और ये है कार्टून नेटवर्क, पंचिंग टाइम, एक्सप्लोजन एक्सएल। इसमें बेन 10 की भी गेम है, बहुत सी अमेजिंग गेम है। तो फ्रेंड्स आपको गेम में सर्च करनी है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो कोई भी गेम, जैसे कि मैं करता हूँ मार्वल लिख देता हूँ खाली एक शॉर्ट फॉर्म में, मार्वल, और ये हो रही है लोडिंग लोडिंग लोडिंग। ये देखिए दोस्तों क्या हो गया, कैंसिल हो गया लग रहा है। तो देखिए दोस्तों मार्वल के नाम से इसमें आ गया, लीगो मार्वल इप्लिंग स्टेशन 3 की गेम है, और मार्वल नेमेसिस जो प्लेइंग जैसन 2 में है, और ये गेम क्लब्स में भी है, क्लब्स तो हम
नहीं जो मैं डॉल्फ निम्बलर में चलानी है तो सबसे छोटा सेटअप तो मैं कहूँगा कि डॉल्फ ये वाला करे, क्योंकि PS2 में बड़ा है और एक्चुअली वो PCX में चलता भी नहीं है सही से, प्लेस्टेशन 2 के निम्बलर में इसे वर्क नहीं कर पाता है। तो ये है आपका, ये ISO फाइल मिलेगी NKS, तो इसमें आपको दिक्कत की कोई बात नहीं, आपको ये डाउनलोड कर लेना है और ये चलेगी वेरी इजीली। नहीं तो एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा किसी कैसे चलाना है, वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं, तो आप वीडियो का इंतज़ार करें। और फ्रेंड्स इसमें बता दूँ थोड़ी सेटिंग, कि डॉल्फिन मतलब में आप जब ग्राफिक सेटिंग करेंगे तो OpenGL में अगर रखना है इसको, जब भी आपकी इसमें में वीडियो सही से चलेगी गेमिंग वीडियो, और गेम प्ले तो वैसे भी सही चलेगा और अच्छे ग्राफिक होते हैं इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों वीडियो को अगर आपको और देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट के ज़रिए देख सकते हैं, अगर वीडियो को समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो ज़रूर देखें दोबारा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय टाटा, फिर मिलते हैं।